नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। जय हिंद, मैं सविता शर्मा, मैं संतोष ह्यूमन राइट जन कल्याण की ओर से बोल रही हूं और पश्चिम बर्धवान की महिला चेयरमैन हूं। और मुझे इसमें जोड़ने के बाद बहुत खुशी मिल रही है और मेरा ये अंदर से एक शौक, एक मतलब क्या बोले, खुशी है कि हम इसमें काम कर रहे हैं। और उससे भी अच्छा खुशी कि मुझे ये शुरू से मुझे ये काम करना अच्छा लगता है। आप जब इस सोसाइटी से जुड़े हो, इसमें क्या आपको अच्छाई दिखाई दिया, किन लोगों ने आपको लिखा है? एक गरीबों के लिए कुछ मन में जो है वो हम कर सकते, अकेले हम कुछ नहीं कर सकते। अकेले हम एक बड़े बूंद बूंद तो बूंद है, नहीं तो वो समुद्र है। तो अकेले हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हम लोग सब मिलके ही कुछ कर सकते हैं। और ऐसा अभी तक हमको कोई मिला ही नहीं जो हमको इस काम में मदद कर सके। इस सोसाइटी के बारे में आपको कहाँ से इंफॉर्मेशन मिला? इस सोसाइटी के बारे में हमको यहाँ के युवा चेयरमैन साहब अभिषेक जी से ये प्रेरणा मिला कि आप ऐसा कर सकती हैं। तो बस उन्हीं के माध्यम से मैं उनको अपना आइडियल भी मानती हूँ कि वही हमको इस लाइन में लेके आए। चलिए, आप सोसाइटी से जुड़ गए, हम लोग को भी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद। जुड़ने के बाद इस लॉकडाउन के मौके पे आपने क्या किया, गरीबों के लिए क्या किया? हम लोग इस लॉकडाउन में सबसे पहले तो हम प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने ये लॉकडाउन किया। अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो शायद हम लोग बहुत मुसीबत में पड़ जाते हैं, और ये लॉकडाउन जरूरी था। इससे बहुत, अगर हम लोग देखने जाएं तो इकोनॉमी में या और बहुत सारी चीज़ों में फायदा हुआ है। लेकिन फिर हम लोगों ने जो किया वो ये कि हम लोगों ने गरीबों को अनाज वितरण किया, कुछ मास्क वितरण किए। हमारी जितनी भी कोशिश रही और हमारा जितना भी क्षेत्र में योगदान रहा, चारों तरफ से हम लोग को अंदर से बहुत खुशी मिला। इस सोसाइटी दिखाना चाहते या क्या बनना चाहते? देखिए, अभी तो हम क्या बोले, क्योंकि वो कहते हैं ना, सपने बड़े बड़े देखने चाहिए, लेकिन जब तक वो पूरे नहीं हो जाते हैं तब तक आज हम कुछ भी बोल दे और वो शायद किसी कारणवश भी पूरा ना हो तो ये फिर हमको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हम चाहते हैं, हम जो करेंगे वो मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है कि हम कुछ भी करें ताकि हम रहें या ना रहें दुनिया में, लेकिन लोग हमको जाने कि हाँ वो थी तो वो कुछ करके गई। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो 106 वाट की टीम है, हम लोग देख रहे हैं कि इस मुसीबत के घड़ी में कुछ काउंसलर ऐसे हैं जो लोगों के पास खड़े नहीं हैं, यहाँ तक कि उनका मोबाइल भी ऑफ मिल रहा है। ऐसे जो लीडर है उसके लिए आप क्या कहोगे? ये उनकी अपनी इंसानियत मर चुकी है सबसे पहले तो। और हम जो भी बोलते हैं, बनावटी या किताबी लिखी भाषा नहीं बोलते हैं, मेरे अंदर जो है बस हम वो ही बोलते हैं। पता नहीं मैं क्या सही है क्या गलत है, मैं भी नहीं जानती, मगर ये है कि उनकी इंसानियत मर चुकी है। अगर वो इंसान होंगे तो वो समझ पाएंगे कि जरूरत किसे है। और हम लोगों को भी ये समझना है दुखी कौन है। कई बार ऐसा होता है, हम लोगों से भी गलती होती है कि हम लोग दुखी कौन है उसे ना समझ के जो जिसके पास सब कुछ है हम लोग उसकी हेल्प करने दौड़ के चले जाते हैं। ये बहुत जरूरी है कि सही में दुखी कौन है। पॉलिटिकल पार्टी को आप फॉलो करते हो? नहीं, राजनीति से हमको कोई लगाव नहीं है। क्यों लगाव नहीं रहा राजनीति से? पता नहीं, राजनीति में ऐसा लगता है कि हम लोग एक मैं एक हाउसवाइफ हूँ, तो हाउसवाइफ में भी ये राजनीति कहीं ना कहीं आती है कि आज आपके पास पैसा है तो आपके गेस्ट रिश्तेदार आपके साथ है, नहीं है तो आपको कोई पूछ रहा नहीं है। तो सेम टू केस यही राजनीति में होता है, जो उसका साथ होता है, जो उसकी तारीफ करता है, जो उसके साथ घूमता है फिरता है वो उसको देखते हैं, और जो उनके गरीब बंधु हैं उनको वो लोग कुछ नहीं देखते, क्योंकि खुद की काम करने वाली मैड ही तकलीफ में है और हम दूसरे गांव में जाकर के अनाज वितरण कर रहे हैं। मतलब के लिए लोग यहाँ पे जीते हैं? यहाँ मतलब के लिए, राजनीति सिर्फ मतलब ही है। अच्छा, आपने कहा कि आप एक हाउस वाइफ हो, आपके हस्बैंड का कैसा सपोर्ट मिलता है? देखिए, आज हम जो भी कुछ है यहाँ तक जो पहुँचे हैं ये उनके ही सपोर्ट के कारण पहुँचे हैं। क्या कहना चाहोगे उनके बारे में? उनके बारे में यही कहेंगे कि हम जो एक लाइफ पार्टनर के लिए जो ड्रीम था मेरे अंदर कभी, वो लाइफ पार्टनर वैसा ही हमको मिला है। आप ही की तरह सोसाइटी में बहुत से लोग हैं जो करना चाहते हैं लेकिन उनके हस्बैंड उनको परमिशन नहीं देता, उस हस्बैंड के लिए क्या कहोगे? उनकी सोच वही पुरानी सोच है कि औरत घर के अंदर रहने वाली होती है, औरत पांव की चूती होती है, वगैरह वगैरह, क्योंकि उनकी सोच ही आगे नहीं बढ़ी है। और लेकिन इस बात पे भी हम बोलेंगे, लोग कहते हैं ना कि औरत पांव की जूती होती है, मेरा भी मानना है वो पांव की जूती है, लेकिन मैं एक पॉइंट बोलना चाहूंगी, शायद आप लोग उस बात को समझेंगे।
आप 10,000-20,000 की आप कोट पैंट सारे पहन के निकल जाओ, लेकिन आपने अगर पांव में जूता नहीं पहना तो आपकी इज्जत बेकार है। चलिए चलते चलते आखिर सवाल ये है कि ये जो लॉकडाउन है, ये जो कोरोना वायरस को लेकर पूरी दुनिया में दहशत का माहौल है और इसमें हम हिंदुस्तानी भी लड़ रहे हैं और उम्मीद है कि हम लोग कोरोना से जीतेंगे, जो लोग मायूस हो गए हैं उसके लेकर क्या मैसेज है? उन लोगों को पैनिक कुछ भी नहीं होना है, क्योंकि ये जिंदगी वापस उसी तरह से भागदौड़ में हम लोग बिजी हो जाएंगे। और हमारे प्रधानमंत्री जी जो इतने अच्छे हैं, मोदी साहब, वो हम लोगों को इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि हम लोगों को तो पैनिक होना ही नहीं है। हम लोग को उनकी तरफ से हर संभव हम लोग को मिलेगा, और फिर हम लोग जो ये न्याय जन कल्याण जो है इसको तो हम लोग चालू रखेंगे। हम लोग लॉकडाउन में हम लोग लॉक नहीं हुए, हम लोग फोन के माध्यम से एक दूसरे से मिलने के माध्यम से आगे का हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग को आगे क्या करना है। बस ये है कि अभी हम लोग प्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहे उस चीज का, लेकिन हम लोग को आगे कुछ करना है, ये हम लोग के दिमाग में चल रहा है। चलिए हम लोग को शुभकामना। देखिए मैं अंत में ये कहना चाहूंगी सभी से, सभी देशवासियों से ये कहना चाहूंगी कि आप लोग बिना काम बिना वजह के घर से बाहर ना निकलें, और जब भी घर से बाहर निकलें मास्क पहन के ग्लव्स पहन के निकलें, और घर में आने के बाद आप लोग हाथ पांव मुंह अच्छी तरह से धोएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें। अगर आप लोग सैनिटाइजर का उपयोग नहीं कर सकते तो प्लीज आप लोग साबुन से हाथ धोएं अच्छी तरह से, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, और इससे हम लोग को पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारी जिंदगी वापस उसी तरह शुरू हो जाएगी और वापस हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जिएंगे। और कोरोना तो क्या, यहाँ हमारे देश में किसी भी वायरस की जीत नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा देश महान है और हम लोग सब एक साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। संतोष, ह्यूमन राइट्स जन कल्याण से जुड़ने के बाद अभी जो आप लोग की वीमेन जो विंग है वो कैसा काम कर रही है? सबसे पहले मैं समस्त देशवासियों को और आपके दर्शकों को अपने दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस कोरोना के समय में भी आप लोग भी अपना कर्तव्य को निभा रहे हैं और फ्रंट पे आके इस कोरोना की लड़ाई में आप लोग जो लड़ रहे हैं, इसमें आप लोगों को इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और देखिए अभी का जो समय है, अभी बहुत क्रिटिकल समय है जैसे आप लोग जानते हैं, और यह समय में जो भी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पुलिस प्रशासन जो भी आप लोगों को दिशा निर्देश दे रहा है, कृपया उनका पालन करें। अभी का समय समाज सेवक सब है, सबको एक दूसरे के प्रति सेवा का भाव रखना है, और ये सेवा का भाव घर में बन के रहेगा। अगर आप अपने घर में बने रहे तो सोच लीजिए समाज सेवा का काम कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन कर रहे हैं, और ये एक समाज सेवा ही है अभी के समय में घर में बना रहे। समाज सेवा का बात कर रहे हैं तो हम लोग भी देख रहे हैं कि इस बुरे वक्त में आपकी भी एक पूरी टीम लोगों को हेल्प कर रही है, कैसा महसूस हो रहा है हेल्प करके? एक तरफ से खुशी भी महसूस हो रहा है, और दूसरी तरफ से हम ये देख रहे हैं कि हमारी टीम अभी के समय में पहले से ज़्यादा एनर्जी से काम कर रही है। उन लोगों के अंदर में इस बीमारी से लड़ने के लिए, गरीबों को सेवा करने के लिए उन लोगों के अंदर में उत्साह भी है, डर का कोई माहौल नहीं है हमारे टीम में। बस हम लोग जो दिशा निर्देश है उसका पालन करते हुए गरीबों तक मदद पहुंचा रहे हैं। जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं हो जाती उसके बाद फिर आपकी क्या और स्कोप है, क्या आपकी रणनीति और क्या करना चाह रहे हो? लॉकडाउन खत्म होने के बाद सबसे पहले हमारा स्वच्छता अभियान चलेगा। देखिए आज ये जो बीमारी आई है वो गंदगी की वजह से है। आप लोगों को भी ये मालूम है कि अगर सफाई रहता तो ये वायरस, फंगस, बैक्टीरिया, ये सब बीमारी हम लोगों को कुछ नहीं कर सकता था। सफाई को विशेष ध्यान रखते हुए हम लोग हर वार्ड में, अपने जिले में, पूरे पश्चिम बंगाल में हम लोग स्वच्छता के लिए अभियान चलाएंगे। घर घर जाके आदमी को जागरूक करेंगे कि स्वच्छता के लिए हाथ धोते रहना, ही हमारे संस्कृति का दिन था, आदमी बीच में भूल गए थे संस्कृति को अपना, हाथ धोना, हमेशा स्वस्थ रहना, सफाई से रहना। और ये बीमारी पुराने उसी जगह पे हम लोगों को लेके गई जो संस्कृति हम लोगों को दे के गई थी, और इसी संदेश को हम लोग घर घर पहुंचाएंगे। उसके बाद शिक्षा के लेके, रोजगार के लेके, गरीबों के लिए जो हो सकता है, जितना हो सकता है, मानव अधिकार के लिए जो हो सकता है, जहां तक हो सकता है हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। चलते चलते सर आपसे सर ये एक सवाल पूछना चाहूंगी, जहाँ पे हम इस मुसीबत की घड़ी में देख रहे हैं लोग एक दूसरे के काम आ रहे हैं, बहुत सारे एनजीओस काम कर रहे हैं, वहां पर देख रहे हैं कुछ लोग अभी भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो इस मुसीबत की घड़ी में अगर कुछ लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो उसके लिए क्या कहोगे? देखिए ये बहुत बड़ी ये दुर्भाग्यपूर्व है, क्या बोले उनके अंदर में, जैसा कि
हमारी महिला चेयरमैन सैमा ने आपको बताया कि इंसानियत मर गया है, सही बात है, उनके अंदर का इंसानियत मर चुका है। और इंसान होता तो ये गंदा काम वो लोग कभी करिए, देखिए ये हम इतना ही बोल सकते हैं कि ये बड़ी ही नीच स्तर का काम है, राजनीति नहीं करना चाहिए। हाँ, आप लोगों को एक और संदेश हम देना चाहिए, कृपया अफवाहों पर ध्यान ना दें, ठीक है। अभी समाज में ना बहुत प्रकार का अफवाह चल रहे हैं, हम लोगों के बीच में द्वेष क्लेश पैदा करने का कोशिश किया जा रहा है, इस राजनीतिक फायदा उठाने का कोशिश किया जा रहा है, इसको हिंदू मुसलमान देखिए हम स्टेट बोलना चाहते हैं, इसको हिंदू मुसलमान बनाने का कोशिश किया जा रहा है। ये गंदा काम ना करें, हम जो भी राजनीतिक पार्टी है हम किसी के लिए नहीं बोल रहे, हम सबके लिए बोल रहे हैं, ये सब जगह हो रहा है, वार्ड लेवल पे हो, ब्लॉक लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो, ये ना करें, मानवता को बचाएं, इंसानियत को बचाएं, आप बचे रहेंगे तभी आगे जाके उन लोगों से वोट ले सकेंगे, नहीं तो कुछ आप लोग कर नहीं पाएंगे, ये गंदा काम ना करें। चलिए सर, आप इस वीडियो शेड्यूल में हम लोग से बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, आपके दर्शकों को भी धन्यवाद। और एक बात और हम बोलना चाहेंगे, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 7 दिशा निर्देश दिए हैं उनका कृपया पालन करें और घर में स्वस्थ बने रहें, स्वच्छ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।